तो दोस्तों एएनएमआई ने फिर से लिखा है सेबी को कि जो आपका इंट्राडे मार्जिन का रूल है वो हमसे ना हो पाएगा। देखिए जो ये रूल कहता है कि आप इंट्राडे में एक स्पेसिफिक मार्जिन लिमिट के ऊपर कोई भी ब्रोकर कोई भी ट्रेडर को एक तरीके से ये वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकता। 1 सितंबर के बाद 5 गुना मार्जिन से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा और 1 सितंबर में आने में दिन ही कितने बाकी हैं। तो एनएमआई ने एक अच्छी सी चिट्ठी लिख के भेजा है कि जो भी बड़े पुराने स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो सब कह रहे हैं कि मत कीजिए, हालांकि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो इसमें उनकी मदद नहीं कर रहे, डिस्काउंट ब्रोकर्स चुप करके बैठे हैं। अब एएनएमआई ने पहले भी चिट्ठी लिखी थी सेबी को, ये हम सब जानते हैं, इस वीडियो में आपको पहले भी बताया था, लेकिन तब भी बालों में जू नहीं रेंगी थी सेबी की। और आज की तारीख में शायद कुछ फ़र्क हो ना हो, एएनएमआई ने फिर से जो लिखा है कि इंट्राडे और मार्जिन में बहुत सारे मसले हो रहे हैं, अभी भी 75% रूल को जो वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें आज की तारीख में ट्रेडर का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि फालतू के एक तरीके से उनसे अपफ्रंट कैपिटल मांगा जा रहा है जो एक्चुअल में नहीं चाहिए। लेकिन सेबी तो सेबी है दोस्तों, हमें पता है, आपको तो ज़्यादा पता है अच्छे से। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एनएमआई ने समझाने की कोशिश की है सेबी को फिर से। मे बी शायद कोई डायरेक्टर कोई एम्प्लॉई कोई पियन ही समझ जाए सेबी का कि किस तरीके से ये रूल सेबी एनएससी और ब्रोकर्स और ट्रेडर्स के खिलाफ है, उनके लिए नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछले ज़माने में जब चिट्ठी आया करती थी तो ये बोला जाता था कि चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, लेकिन अब चिट्ठी भेजी है कहा जा रहा है एएनएमआई के द्वारा। एएनएमआई कह रहा है कि हमने चिट्ठी फिर से लिखी है, शायद कोई जवाब आएगा, लेकिन सेबी जवाब देने में विश्वास नहीं करता। सेबी सिर्फ बात करने में विश्वास करता है कि हमारी मानो माई वे और हाई वे। अब रिसेंटली जो चिट्ठी लिखी है एएनएमआई ने, उसने ये कहा है कि जो नई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें इंट्राडे के ऊपर आप क्लाइंट को ट्रेडर को एक तरीके से पहले से अपफ्रंट मार्जिन मांगते हैं, और वो भी कितनी बार अनसर्टेन मार्जिन होता है क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होती है और स्टॉक का प्राइस ऊपर या कभी भी नीचे जा सकता है, और मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ऊपर या नीचे जा सकती है। आज की तारीख में 5 या 6 बार स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं पूरे दिन में, और उसके बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है वो उम्मीद होती है वो लिया जाता है। ये सुबह 11 बजे 12:30 बजे 3:30 बजे मार्केट शुरू होने से पहले मार्केट ख़त्म होने के बाद, इन सब ड्यूरेशंस में मार्जिन की एक्सपेक्टेशन की स्क्रीनशॉट होती है और उसके बेस पर मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है। अब इससे ये होता है कि कई बार अनड्यू पेनल्टी लगा दी जाती है क्लाइंट के ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर, चाहे क्लाइंट ने अपने अकाउंट में पैसे मेंटेन करके रखे हों ना हों, दैट इज़ नथिंग टू डू विद दिस। तो एंड ऑफ द डे एक तरीके से फालतू के पैसे ऐंठे जा रहे हैं एक्सचेंज के द्वारा। कितने स्टॉक ब्रोकर्स का कहना है कि उन्होंने कितनी बार क्लाइंट्स को पेनल्टी लगाई है बिना बात के, क्योंकि जब एंड ऑफ द डे मार्जिन फाइल निकलती है जो मार्केट क्लोज होने के बाद बनती है, और वो भी काफ़ी देर बाद बनती है, मार्केट के ख़त्म होने के कुछ घंटे बाद निकलती है, उसमें शॉर्टफॉल होने के चक्कर में कई बार ट्रेडर को अनड्यू फाइन लगाया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है, और क्लाइंट के जेब में से फालतू के पैसे ऐंठे जाते हैं। एएनएमआई ने कितने इंस्टेंस ऐसे अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के उस लेटर में उस चिट्ठी में लिख के भेजे हैं, दिखाए हैं स्क्रीनशॉट्स के साथ, लेकिन सेबी ऑब्वियसली इन सब तथ्यों को फैक्ट्स को मानता नहीं है। उसकी नज़र में अगर पूरे मार्केट को सेफ बनाना है तो पूरे के पूरे मार्जिन कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर देना चाहिए, जो कि अपने आप में एक लाफेबल एक हास्यपद चीज़ है, जिसमें कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता लेकिन इंडिया में ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है क्योंकि इंडिया में ज़्यादा चोरीबाजी होती है। सही पकड़े हैं। लेकिन ये चोरी कौन करता है ये तो कोई नहीं जानता, या शायद सब जानते हैं। तो दोस्तों एएनएमआई ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से फिर से निभा दी है, जैसे कि कवर में आपको बताया, शुरुआत में आपको बताया कि डिस्काउंट ब्रोकर्स जिसमें बड़े बड़े नाम हैं वो कोई भी नहीं आगे आ रहा है इस केस में, और जो पुराने कन्वेंशनल स्टॉक ब्रोकर्स बैठे हैं या जो थोड़े छोटे मिड साइज़ के ब्रोकर्स हैं वो सब इस पर्टिकुलर रूल के खिलाफ हैं। एक तरीके से एएनएमआई के चिट्ठी के लिखने के पीछे वही सब स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इसमें बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स भी आते हैं, और जो पुराने लेगेसी के साथ फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर मार्केट में हैं, 200 से ज़्यादा ऐसे फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, वो सब भी इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के साथ आते हैं। अब उस ट्रेडर की सोचिए कि जिसको पहली बात तो मार्जिन मिल नहीं रहा, आज की तारीख में खुद की जेब में जितने पैसे हैं वो सब अकाउंट में डाल रहा है और फिर ट्रेडिंग कर रहा है, और उतने ही शेयर बाय सेल कर पा रहा है जितने कि उसके खुद के पैसे की गुंजाइश है। लेकिन दोस्तों मार्जिन ख़त्म होने के साथ साथ ही जो पेनल्टी लगाई जा रही है वो भी उसी पैसे के ऊपर लग रही है, तो मार्केट से पैसे कमाने के बजाय गंवाने का टाइम चल रहा है।
ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंसिडर करनी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शुरुआत में कम पैसे से या वैसे भी कम पैसे के साथ ट्रेडिंग करना में बिलीव करते हैं। लेकिन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। अभी के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं क्योंकि जो भी ब्रोकर्स के केस भी चल रहे हैं अदालतों में उसका भी कुछ नहीं हो रहा है, उस पर भी तारीख मिल रही है, अगली तारीख 18 अगस्त की पड़ी है विजडम कैपिटल की, वहाँ पे भी पता नहीं क्या होगा क्योंकि उस केस में यही बताया गया कि क्या सितंबर में कोई तारीख नहीं है, सितंबर की कोई तारीख दे देते हैं। अरे सितंबर एक तारीख से तो केस ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा का सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 18 अगस्त को देखते हैं क्या होता है, मोस्ट लाइकली कुछ नहीं होगा। अभी के लिए इस वीडियो में भी इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय। ठीक है भाई जी, अब ठीक है, चिट्ठी लिखी है सीबी को, अब कहा है कि जो आपका रूल है इंट्राडे मार्जिन का हमसे ना होगा ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों AMI 2 hours later. दोस्तों AMI